आइए सुनते हैं आपके महबूब शायर जनाब AM तुराज साहब का, जिन्होंने शिरकत की आजमगढ़ के मुशायरे में और अपनी गजल से लोगों का दिल जीत लिया। ये मुशायरा रॉकी टॉक पर सुना गया। और अब मैं चाहता हूँ कि अगले शायर को बुलाऊं और दोस्तों आपसे एक बात अर्ज करूं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जहां फिल्मी गीतकार फिल्मों में गीत लिखते हैं और फिल्मी जो नगमा निगार है आज के जमाने में, जहां मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी जैसे गीत लिखे जा रहे हो, ऐसे दौर में भी कुछ ऐसे फनकार हैं जो अपनी फनकाराना सलाहियत और अपनी जो शेर कहने का उनका फन है उसको नहीं भूले हैं और उसको उन्होंने फरामोश नहीं किया है। अपनी अदबी जिम्मेदारियों को और अपनी जो उनकी विरासत है उसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्हीं में से एक फनकार जनाबे AM तुराज, जिनके कई फिल्मों में बहुत ही कामयाब और शाहकार गीत आए हैं, लेकिन एक फनकार जब नगमा निगार की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके सोचने का ढंग कुछ अलग होता है, लेकिन मुशायरे में जब अपनी गजल पढ़ता है तो उसके पढ़ने का ढंग कुछ अलग होता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे AM तुराज का, जो मुंबई से हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए। हजरत गिरामी, एक बात मुझे ऐलान करनी है कि मुशायरे के इस हिस्से की, ये जो बारिश के बाद दोबारा से शुरू हुआ है, इस मुशायरे की इस हिस्से की सदारत जनाबे इकबाल अशर साहब, जो हमारे सीनियर शायर हैं, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, वो फरमा रहे हैं। जोरदार तालियों से इकबाल अशर साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ, तो बात करने का वक्त नहीं है। मैं जनाब इसरार साहब का शुक्रगुजार हूँ और जनाब नदीम साहब का, नदीम फरूखी साहब का, कि उन्होंने मुझे यहाँ मदू किया। तो यहाँ से बगैर किसी तमहीद के मैं आप तक तो कुछ शेयर पहुँचा रहा हूँ कि ठहरे हुए इकबाल साहब ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूँ मगर घर नहीं आया, सफर में हूँ मगर घर नहीं आया, ऐ शिद्दते रफ्तार जरा थम के अभी तक रस्ते में कोई मीम का पत्थर नहीं आया। और यहाँ शेर के रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। और यहां से एक मतलब और दो तीन शेर मैं आपको सुना रहा हूं कि इश्के मासूम किरानाई चली जाएगी, इश्के मासूम किरानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। शुक्रिया। तुम जो पास आए तो यहां से शेर देखेंगे, उगते सूरज के सितासीर के चेहरे वाले, उगते सूरज के तासीर के चेहरे वाले, तुझको देखूंगा तो बीनाई चली जाएगी, तुझको देखूंगा तो। मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं कि इश्क बेबाक ठहर जा भी आवाज ना दे, इश्क बेबाक ठहर जा भी आवाज न दे, उसने मासूम की अंगड़ाई चली जा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मासूम, यहां से शेर के, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, मुझको ये डर है कि रुसवाई चली जाएगी,
देश के मासूम की। और अगर याद है तो मैं बदल के बोलूंगा। इस मुशायरे के कन्वीनर है जनाब इसरार प्रधान साहब। इस मुशायरे की शानदार निजामत के हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फरूख साहब ने। तो ये था आजमगढ़ के मोहम्मदपुर गांव के बिलरियागंज का एक शानदार मुशायरा। इस मुशायरे की खास बात ये रही कि हमने 2012 में ये मुशायरा कवर किया था और 2014 में हमें एक बार फिर इन्विटेशन मिला, लेकिन बीच में बारिश ने और तूफान ने खलल डाला। लेकिन बहरहाल ये मुशायरा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान रॉकी टॉक के लिए आजमगढ़ से।